और आवाज देता हूँ आसिफ भाई को कि भीड़ के माहौल में रहकर भी तन्हा कौन है, ये तो झूठे भी बता देंगे कि सच्चा कौन है। मैंने शेर अयूब नगर में पढ़ा था, आपकी फरमाइश पर पढ़ रहा हूँ कि भीड़ के माहौल में रहकर भी तन्हा कौन है, ये तो झूठे भी बता देंगे कि सच्चा कौन है। और भेड़ियों की भीड़ में तुम शेर को आने तो दो, फैसला हो जाएगा जंगल का राजा कौन है। भेड़ियों की भीड़ में तुम शेर को आने तो दो, फैसला हो जाएगा जंगल का राजा कौन है। कायदे नस्ले नौ आसिफ शेख नसीर साहब का जोरदार तालियों में। आज के दिन गुलशेर नगर डिपो में जलसा है, आप लोग वहां चले। आज के इस अलीशान जलसे आम के सदर मोहतरम सादिक हुसैन अशरफी साहब मंच पे, तशरीफ फरमा शेख रशीद साहब, हमारे अपने बुजुर्ग और सरपरस्त जैनू कारी साहब, दस अकेडमी के सदर डॉक्टर रईस साहब, समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान और कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए ऐसे हमारे सभी नौजवान साथी, मंच पे तशरीफ फरमा कांग्रेस पार्टी के सभी ओहदेदारान, कारपोरेटर, साबिक कारपोरेटर, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अराकीन शेख खलील साहब, और मेरे सामने हजारों की तादाद के अंदर मौजूद सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, मेरे पीछे स्टेज के पीछे खड़े हुए सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी माँ और बहनें, सबसे पहले मैं आज इस सलाम चाचा रोड के ऊपर आए हुए नया इस्लाम पूरा और मालेगांव शहर से आए हुए सभी आप लोगों का मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से, शेख रशीद साहब की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों को याद होगा 2014 में अंसार जमात खाना के ग्राउंड पर आप लोगों की मौजूदगी के अंदर मैंने हल्फ लिया था और मालेगांव शहर की आवाम ने मुझको 5 साल पूरा देखा, समझा और मेरा काम करने का तरीका देखा। मैं समझता हूं शरीफ भाई मोमी कि मालेगांव शहर की आवाम कोई भी शख्स मुझको ये नहीं बोल सकता है कि मैंने किसी के साथ नाइंसाफी की है। और जानबूझकर स्टेज मैंने फारूक कुरैशी को बोलकर यहां पर लगवाया हूं आज, और किबले के तरफ इस स्टेज का मुंह है। मैं वापस, क्योंकि आज मेरे इस मंच के ऊपर सभी मौजूद, सभी मेरे सरपरस्त
और इस जलसे गाह के अंदर मौजूद सभी मेरे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और मालेगांव शहर की इस मंच से, मालेगांव शहर की आवाम के सामने आज मैं आइंदा 5 साल के लिए फिर एक मरतबा हल्फ लेना चाहता हूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं शेख आसिफ शेख रशीद अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं कसम खाता हूं कि इंशाअल्लाह मालेगांव शहर की आवाम मुझको दोबारा कामयाब करती है तो मैं मालेगांव शहर की आवाम, सभी मसलक, सभी बिरादरियां, सभी छोटा मोटा व्यापार, बुनकर भाई और मालेगांव शहर के एक 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 दिन के बच्चे से लेकर आखिरी उम्र की तक मैं सभी मेरी मां बहनों को और इस शहर की आवाम को, मजदूरों को मैं वापस अल्लाह की कसम खाता हूं कि अगर आप लोगों ने दोबारा मुझको मौका दिया तो मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। मैं आज आपके सामने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर यह हल्फ लेता हूं। दोस्तों और साथियों, दोस्तों और साथियों, सही मानों में यह मालेगांव शहर का 2019 का इलेक्शन, यह मालेगांव शहर की आइंदा 5 साल का तकदीर का फैसला करने वाला है। मैं आप लोगों से यह बोलना चाह रहा हूं कि जब तुम 21 तारीख को अपने घरों से निकलेंगे वोट देने के लिए तो एक मर्तबा आप ये छोटे छोटे मासूम बच्चों की तरफ नजर उठाकर देख कर निकलना। चाहे मेरी बहनें निकले, चाहे मेरी वो मां निकले, चाहे वो मेरा भाई निकले, सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि उन मासूम बच्चों को देखकर निकलना। आप 2014 से इस मुल्क के अंदर मुसलमानों ने बहुत नुकसान उठाने का काम किया है। आज तक बहुत नुकसान उठाया, हमने 1 लाख अहमद का कत्ल भी देखा किन लोगों ने किया। हम लोगों ने तबरेज अंसारी का भी कत्ल करते हुए देखा कि किन लोगों ने किया। हम लोगों ने हाफिज जुनैद का कत्ल किन लोगों ने किया, पहलू खान का कत्ल किन लोगों ने किया, इस हिंदुस्तान के मुसलमानों ने देखा है। हम लोगों ने यह भी देखा कि इस हिंदुस्तान में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने मॉब लिंचिंग के नाम पर हमारे मुसलमान भाइयों की, दलित भाइयों की जान लेने का काम किया, कत्ल करने का काम किया है। मालेगांव शहर और हिंदुस्तान के मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से कोशिश की,
2019 तक कामयाब नहीं हुई। मालेगांव शहर में मेरे मध्य मुकाबले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब हज पर गए, ऐलान करके गए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं कि ट्रिपल तलाक के नाम पर शरद पवार और राष्ट्रवादी के लोग गैर हाजिर थे। इस्तीफा देकर ये हज पे चले गए, हज पर से वापिस आए और इस्तकबाल किया गया। उसके दूसरे ही दिन 36 घंटे के बाद में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने जिस पार्टी के अंदर शमूलियत ली, जिस पार्टी का हार पहना, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब आप मालेगांव शहर की आवाम को कब तक बेवकूफ समझते रहोगे? कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कई सेकुलर पार्टियों ने इस मुल्क के अंदर 2014 से भारतीय जनता पार्टी से लड़ते लड़ते 5 साल उनका बिल को मंजूर नहीं होने दिया। मेरी बात अगर यहां पर मीडिया के मेरे साथी होंगे, अखबार के नुमाइंदे होंगे, तो याद से कल की अखबार के अंदर थोड़ी सी जगह दे देना। मेरी जरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो बात मैं बोलने जा रहा हूं, 5 साल इस मुल्क की सेकुलर पार्टियों ने ट्रिपल तलाक कभी मंजूर नहीं होने दिया और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पहले ही पार्लियामेंट के इजलास में जब ये बिल आया तो पार्लियामेंट के अंदर जब ये बिल पास हुआ तो कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और इस हिंदुस्तान की सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों के हक में वोट की और भारतीय जनता पार्टी ने हिमायत में वोट देकर उस बिल को पास किया। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, आपसे मेरा सवाल है, कल बैरिस्टर साहब मालेगांव आ रहे हैं, जरा उस मंच के ऊपर उनसे सवाल करना कि क्या आप जिस तेलंगाना के अंदर वहां की सरकार के साथ में एमआईएम का पैक्ट है, साथ में सरकार चला रहे हैं, जरा उनसे पूछना कि पार्लियामेंट के अंदर और राज्यसभा के अंदर उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ वोट दिया या नहीं, यह मेरा सवाल है, जरा उनसे आप पूछना। अवस्थी साहब, टीआरएस के साथ टीआरएस पार्टी ने 29 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो अवस्थी साहब उनकी हिमायत हुकूमत को कर रहे हैं, उन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ ट्रिपल तलाक के ऊपर वोट दी, तो क्या अवस्थी साहब को वहां की सरकार से हिमायत वापस ली? क्या आपको उसी वक्त हिमायत वापस लेना चाहिए था? एक तरफ आप वहां हिमायत करते हो, ऐसे लोगों
को जो मुसलमानों के खिलाफ वोट देते हैं, 370 कश्मीर के मामले में वोट देते हैं, बीजेपी की हिमायत करते हैं, और आप हिंदुस्तान के अंदर घूम घूम कर रोना रोते हो, कौम मिल्लत की बात करते हो, और आप भी धोखा दे रहे, और मुफ्ती इस्माइल साहब आप भी शहर को धोखा दे रहे। इसका जवाब आपको देना होगा। बाबरी मस्जिद के मामले में हिंदुस्तान के मुसलमानों को तुम गुमराह कर रहे हो। बहुत आप बोलते हो हिंदुस्तान के मुसलमान, और आज मैं भी एक मुसलमान होने के नाते इस्तेयाक निहाल अहमद साहब आए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। निहाल अहमद साहब के फर्जंद है इस्तेयाक निहाल अहमद साहब, वो आए हैं उनका इस्तकबाल। दोस्तों और साथियों, मैं एक मुसलमान होने की हैसियत से, और ये मेरा टूटा ईमान है, और इस हिंदुस्तान के एक एक मुसलमानों का ये ईमान है कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, और बाबरी मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम प्रेस अल्लाह बोर्ड, और हमारे उलमाओं ने यह बात का ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम मानेंगे। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस तेलंगाना के अंदर आप सरकार को तुम्हारे साथ ले मेरे अकबरुद्दीन अवैसी साहब समेत 7 एमएलए ने टीआरएस की हुकूमत को हिमायत की है, मेरा आपसे सवाल है कि रमजान महीने के अंदर हैदराबाद के अंदर वहां की हुकूमत ने एक मस्जिद शहीद की, आप वहां पर क्यों नहीं गए, क्यों नहीं तुमने बचाया? यह सवाल भी अभी शहर के आवाम आपसे पूछे। ये जवाब देना होगा। आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, आप गुमराही की तरफ इस शहर को, इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को लेकर जा रहे हो। आप इस मुसलमानों को, इस महाराष्ट्र के मुसलमानों को तुम छोड़ना चाहते हो। हमने एक्शन भी देखा है, हमने दक्षिण से आ रहे लोगों ने, हैदराबाद से आ रहे लोगों से नांदो तक यहां के लोगों ने एक्शन भी देखा है, और वो लाशें भी देखी है, और वो कुएं भी देखे हैं जिसमें मुसलमानों की लाशों को काट कर डाल दिया गया था। बहुत नाजुक हालात से हमारा इस मुल्क के अंदर मुसलमान गुजर रहे हैं। आपने 2014 में इस महाराष्ट्र में आकर 35 सीट आपने लड़ाई, और आपने भारतीय जनता पार्टी की मदद की, और उनकी सरकार बनाने के अंदर 2014 के अंदर आपने वोटों का डिवाइडेशन किया, मुसलमानों की वोटों की बंटवारा किया, और आपने बीजेपी को हिमायत करके वो आपने सरकार बना दी। वापस आप पार्लियामेंट के अंदर 18 सीटें का आपने गिराने का काम किया, वंचित आघाड़ी के साथ मिलकर सेकुलर पार्टियों की। वापस आप इस महाराष्ट्र के अंदर आप अभी 60 से 65 सीट लड़ाकर सेकुलर पार्टियों की और मुसलमानों की ओर का डिवाइडेशन करके वापस तुम्हें सरकार बैठाना चाहते हो भारतीय जनता पार्टी की। क्यों आप ऐसा कर रहे हो? कभी आपने सोचा
آپ کو تقریر کر کے چلے جاتے, آپ کو نوجوانوں کو بھڑکا کر چلے جاتے, لیکن کیا ابھی کبھی آپ نے سوچا کہ ان دیہاتوں کے اندر رہنے والے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ وہاں کی ہماری بال بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ ہماری بہنوں سے عزت سے کھیلا جاتا ان کا کیا ہوگا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کیا مت کرو, ہمارے شہر کو بھی برباد مت کرو, مت کرو اس مہاراشٹر کے مسلمانوں کو مت برباد کرو, مت آپ چھوپنے کا کام کرو. ابھی این آر سی آ رہا ہے, کیا ہوگا؟ آپ تو تقریر کر کے چلے جائیں گے. اگر این آر سی لگ گیا اور آپ جس طریقے سے الیکشن مہاراشٹر میں لڑ رہے ہو, ووٹوں کا ڈیوائڈیشن کر رہے ہو, بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار آ گئی, تو ہو سکتا ہے کہ مالیگاؤں سے این آر سی شروع ہو جائے, ہو سکتا بھیونڈی سے شروع ہو جائے, ہو سکتا ممبرا سے ہو جائے, ہو سکتا اورنگ آباد سے ہو جائے, ہو سکتا ممبئی سے ہو جائے. جب آپ نہیں آؤ گے, جب یہی مالیگاؤں کے لوگ, دینی تنظیموں کے لوگ, نوجوان سوشل لوگ, ہم کو مدد کرنا پڑے گی ان کے پیپر درست کرنے کے لیے. اللہ کے واسطے آپ اس شہر کو مت چھوڑو, اس مہاراشٹر کے مسلمانوں کو مت چھوڑو, کم سے کم سیکولر پارٹی کی حکومت آنے دو تاکہ ہم ان کی حفاظت کر سکے, ہم اس مہاراشٹر کے مسلمانوں کی حفاظت کر سکے. ہم ضرور ہمارے بھائیوں سے سنگھرش ان کے لیے سنگھرش کریں گے, ضرور ہم ان کے لیے لڑیں گے, اور ہمارا حق اگر ہم کو مانگ کے نہیں ملے گا تو ہم چھین کے لیں گے. دوستو, یہ بہت نازک وقت سے ہم گزر رہے ہیں, بہت نازک وقت سے. میں آج اس نیا اسلام پورا کے رہنے والوں سے بولنا چاہتا ہوں کہ میں جس نئے اسلام پورے کے اندر میرا اپنا مکان ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں نئے اسلام پورے کے رہنے والوں سے کہ ایک میرا گنڈر بھائی آ کر مجھے بتا دے کہ میرے پریوار کی چاچ سے آپ پہ بال برابر بھی تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ ایک آپ نے مجھ کو بتا دے, مجھے بتا دے ایک مزدور بھائی کہ میرے پریوار کے جات سے آپ کو ایک بال برابر بھی تکلیف ہوئی کیا؟ بتا دے اس علاقے کے رہنے والے لوگ, میں پوچھنا چاہتا ہوں. ہم نے بہت الیکشن دیکھے, ہمارے مخالف میں بھی جمہوریت ہے, ہمارے مخالف میں بھی لوگ کام کرتے ہیں, لیکن ہم پیٹی بند ہونے کے بعد سب بھول جاتے ہیں. ہم کو دولت کرنا ہے مالیگاؤں شہر کا, ہم کو وکاس کرنا ہے مالیگاؤں شہر کا, ہم کو ہماری صنعت کی ترقی کرنا ہے, ہم کو ہمارے نوجوانوں کو تعلیم دینا ہے. میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے, اس شہر کی عوام نے 5 سال میرے کام کو دیکھا ہے. جا کر آپ اپنے گھروں کے اندر پوچھئے, جو لوگ 9ویں جماعت کی طلبہ و طالبات ہوگے, جو 10ویں جماعت کے ہوگے, جو 11ویں جماعت کے ہوگے, جو 10ویں جماعت کے ہوگے, کہ میں نے میرے فنڈ سے ان کو کتابیں مفت میں نہیں دی کیا؟ آپ پوچھئے ان کی تعلیم کے لیے میں نے کیا کیا. آپ پوچھئے ان پرائمری اسکول کے اندر پڑھنے والے بچوں سے کہ میں نے ان کے لیے 200 کمپیوٹر نہیں دیے کیا کہ وہ بھی کمپیوٹر سیکھ سکے؟ آپ جا کر پوچھئے کیا ہم نے ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے بچوں کو کہ تعلیم کانفرنس نہیں کی کیا کہ ہمارے بچے آگے بڑھ سکے؟ آپ جا کر دیکھیے فلائی عمر ٹرسٹ جو مرزا غالب روڈ پر ہے, وہاں پر MLA فنڈ سے جو عمارت تعمیر کی گئی, وہاں پر 450 بچے اور بچیاں ہماری میڈیکل لائن سے ٹیوشن لے رہی ہے. کیا میں نے کام نہیں کیا کہ تعلیم کے لیے؟ کیا میں نے پاور لوم مزدوروں کے لیے کام نہیں کیا کیا؟ کیا میں نے پاور لوم بنکروں کے لیے کام نہیں کیا کیا؟ کیا میں نے شہر کے لیے اردو گھر تعلیم کے لیے نہیں بنایا کیا؟ کیا میں نے خواجہ غریب نواز
क्या मैंने आईटीआई कॉलेज की मंजूरी नहीं लाई क्या? क्या मैंने क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम नहीं बनाया क्या? क्या मैंने हिल स्टेशन हमारी बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए नहीं बनाया क्या? ये सब मैंने काम किया हो और मैं आगे अगर आप लोगों ने कामयाबी दी, अगर आप लोगों का साथ रहा तो मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे तलबों व तालबात से वादा करता हूं कि आप लड़कियों के लिए मैं एक यूनिवर्सिटी मालेगांव शहर के अंदर ताकि हमारी बच्चियों को बाहर ना जाना पड़े, नदी क्रॉस ना करना पड़े, इसके लिए इस इलाके के अंदर एक यूनिवर्सिटी डालने का मेरा प्रोग्राम है। कुछ लोग मजहबी नारा देते हैं, इसी रोड के ऊपर बहुत मजहबी नारा देने दिए गए, जहां जलसा हो रहा वहां नारा दिया जा रहा है मजहबी सियासी जलसों के अंदर। मैं तो उस चीज को मानने वाला हूं, मैं तो वो मुसलमान हूं कि जश्न ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जुलूस निकलता तो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की नारा देता। मैं सियासी जलसों के अंदर मजहबी नारा नहीं, क्योंकि आपका पाक दामन नहीं है, आप पर इल्जाम लगे हैं, आपके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्जाम है, आपने टिकट का पैसा खाया, आपने मेल का पैसा खाया, आपने ठेकेदारी का पैसा खाया, आपने दारू बेचने वालों को आपने कॉर्पोरेटर बनाया, वह पैसा आपने खाया। आपको शोभा नहीं देता कि सियासी जलसों के अंदर मजहबी नारों का इस्तेमाल मत करो। हम तो नारा जब लगाएंगे तो हम तो मजहबी जलसों के अंदर नारा लगाने वाले लोग हैं, मजहब का सारा हम सियासी जलसों के अंदर लगाने वाले लोग नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इनके चेहरों को पढ़ लो, इनके चेहरों को देख लो, इनके चेहरे का जब नकाब उठेगा तो बहुत घिनौना चेहरा इन लोगों का है। आप लोगों को धोखा दिया जा रहा है, नारे के आग के अंदर मासूम मासूम बच्चों को उनका जहन साजी की जा रही है और गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आपको नारा ही देना है तो जश्न ईद मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के अंदर नारा लगा। मैं आपसे कुछ लोग मुझको बोलते हैं कि शेख आसिफ रेस में नहीं है, मैं उन बेवकूफों को बोलना चाहता हूं